वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस का ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगी। पहले मैं पेपर में कटिंग करूंगा और ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी। डायरेक्ट फैब्रिक में काट करने से सूता बड़ा हो जाता है, तो इसलिए पहले मैं पेपर में काट करके दिखाऊंगी। ये प्रिंसेस काट का मेजरमेंट है। इसके लिए शोल्डर लेना है 14 इंच और चेस्ट लेना है 32 इंच, अपर चेस्ट लेना है 34, कमर लेना है 26, स्लीव का लेंथ लेना है 9.5 इंच और स्लीव के लिए राउंड लेना है 8 इंच और ब्लाउज का कुटा लेंथ लेना है 15 इंच। चलो शुरू करती हूँ। पहले मैं पेपर में कटिंग करके दिखाऊंगी। पहले मैं बैक पार्ट कट करना है। ब्लाउज का लेंथ लेना है 15 इंच और सिलाई के लिए इस तरह 1 इंच ज़्यादा लेना है, तो टोटल 16 इंच लेना है। इसमें भी 16 इंच का निशान देना है। इसको एक लाइन कर देना है। पहले में शोल्डर लेना है। शोल्डर इसमें मैं 14 इंच दिखाया, तो इसमें से हाफ लेना है, तो हाफ 7 इंच। और यहाँ से हाफ इंच डाउन करना है। नेकलाइन लेना है 4 इंच। यहाँ से आपको कितना देना है, यहाँ से मैं 3 इंच ले सकती हूँ और 3.5 इंच ले सकती हूँ। 4 इंच लेने से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसमें 3 इंच रखूँगी। यहाँ से भी जहाँ से मैं 1/2 इंच डाउन किया, इसको इसके साथ मिला देना है। अब मुंह में 6 इंच रखूंगी। ये बैक साइड का आर्मोल है, तो इसलिए इसमें मैं 1.5 इंच उठाऊंगी। ये 34 साइज का है, तो इसमें मैं 8.5 इंच रखूंगी। 8.5 इंच और सिलाई के लिए इसका 2 इंच ज्यादा लेना है। 2 इंच कमर हिस्से में 1 इंच कम रखूंगी, तो इसमें टोटल 10.5 इंच है। इसमें मैं कमर 9.5 इंच रखूंगी। अब इसको हम काट कर लेना है। यहाँ पे हम यहाँ से फ्रंट पार्ट काट करना है। तो इसको क्या करना है, इसके हिसाब से निशान देना है। बैक पार्ट से मैं और 2 इंच ज्यादा रखूंगी। ये
फ्रॉन्ट नेक है और यहाँ से हाफ इंच डाउन कर देना है। और हाफ इंच डाउन किया, ये फ्रॉन्ट नेक है तो इससे मैं और हाफ इंच नेक को भी डाउन करना है। और यहाँ से हमें टैक्स पॉइंट लेना है। ये टैक्स पॉइंट मैं 10 इंच पर रखूंगी, 10 इंच। और यहाँ से जो कातरी का सेट है इसके लिए नाप लेना है, तो इसको 34 को 10 से डिवाइड करने से 3.4 इंच आता है। तो इसमें 3.4 इंच भी रख सकते हो और 3.5 इंच भी रख सकते हो, तो इसमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इसमें 3.4 इंच रखूंगी और यहाँ से भी 3.4 इंच। यहाँ से मैं 3 इंच रखूंगी, इस साइड 1.5 और इस साइड 1.5। और यहाँ से और 1 इंच ज्यादा लेना है, 1 इंच। यहाँ से मैं 8.5 इंच रखूँगी, 8.5 इंच और एक्स्ट्रा 2 इंच ज़्यादा लेना है। यहाँ से 5.5 इंच पर इस तरह इसको मैंने ड्राफ्टिंग, अभी इसको कटिंग कर लेना है। हम इस पेपर काट कर लिए, तो मैंने पहले जो पेपर काट किया फैब्रिक में डायरेक्ट काट करने से पार्ट छूता बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने फैब्रिक में पहले काट नहीं किया, पेपर में कटिंग किया पहले। तो इसमें 1 मीटर फैब्रिक है तो इसी से मैं अभी पिंचेस कट ब्लाउज कटिंग करना है। जैसे मैं पेपर में कटिंग की थी ठीक उसी के हिसाब से मैं कटिंग कर लेना है इसमें। पहले मैं यहाँ से बैक पार्ट काट करना है, तो इसको कपड़ा को 2 फोल्ड कर लेना है। इस पेपर को इसके ऊपर रखना है, तो इसके बाद इसी के हिसाब से मैं एक निशान दूंगी।
पेपर का हिसाब से मैंने पूरा निशान दे दिया। हम अभी इसको कटिंग कर लेना है। जहाँ जहाँ मैं निशान दिया है उसी के हिसाब से इसमें कटिंग कर लेना है। ये है बैक पार्ट, यहाँ से मैं फ्रंट पार्ट काट कर लेना है। इसको इस तरह रखना है। इसको इस तरह से मैंने ड्राफ्टिंग किया, ठीक। मैं अभी इसके हिसाब से काट कर लेना है। इसको तिरछा नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा हल्का सा काट करके मिला देना है। इसको इस तरह से काट किया मैंने। सूता बड़ा हो जाता है तो इसलिए मैं पहले पेपर काट किया। यहाँ से मैं स्लीव 9.5 इंच रखूंगी। यहाँ से 6 इंच, तो ऐसे ही फिटिंग्स माप इसके 8 इंच, और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच ज़्यादा लिया मैंने। यहाँ से मैं 7 इंच रखूंगी। तब इसको मैं काट कर लेना है। तो हम अभी इसको काट कर लेना है। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज मैंने स्टेप बाय स्टेप काट करके दिखाया। इसमें इसको काटना बहुत ही आसान है। अगर फ्रेंड मेरा वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसके स्टिचिंग मैं अगला वीडियो में करके दिखाऊँगी। फिर से मुलाकात होगी अगला वीडियो में।